हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डेंटल कैप लगाने की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है, किस चीज से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप लगवाना चाहते हैं आपके दांतों पे कैप। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हमें किसी भी दांत के ऊपर कैप लगाना होती है तो हमें उस दांत को ट्रिम करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम जब कैप दांत के ऊपर लगाएंगे तो वो कैप का जो फाइनल साइज होगा वो हमें उतना चाहिए जितना कि आपके दांत का फाइनल साइज हमें वहां पर चाहिए। तो अगर उस दांत को छोटा किए बिना ही उस पर कैप लगा देंगे तो वो दांत बहुत बड़ा बन जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। इसलिए हम उस दांत को पहले थोड़ा ट्रिम करते हैं। एक पर्टिकुलर शेप उस दांत को दिया जाता है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके से होता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर कैप लग सकती है। तो मान लीजिए कि हमें आपके दांतों पे, जिन दांतों पे कैप लगाना थी, हमने उनको छोटा कर दिया जितना हम चाहते थे उतना। अब ये छोटा जो करते हैं हम दांतों को या जो ट्रिम करते हैं, ये कई बार हमें सुन करके भी करना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है तो हमें वहां पर फिर एक लोकल एनेस्थीसिया का एक छोटा सा इंजेक्शन दे करके उस हिस्से को सुन करना पड़ता है और फिर हम ये दांत को ट्रिम करने का काम कर पाते हैं। जिन लोगों में सेंसिटिविटी कम होती है उनमें बिना सुन किए ही हम दांतों को छोटा कर सकते हैं। तो हमने दांतों को छोटा कर दिया, अब हम बनाना चाहते हैं कैप। तो इसके लिए हमें लेना होगा दांतों का नाप। नाप मतलब मेजरमेंट, या हम उसको कहते हैं इंप्रेशन। ये लेने के भी दो तरीके होते हैं। हमें कोई चीज बनानी है तो उसका नाप लेना पड़ेगा ना, तो ये लेने के दो तरीके। एक तो है मैनुअल ले, मतलब कि ऐसी ट्रे आती है प्लास्टिक की या मेटल की जो कि मुंह के अंदर जाएगी, उसमें एक रबर जैसा मटेरियल लगता है जो जाकर दांतों का नाप लेता है, क्ले जैसा या रबर जैसा मटेरियल। दूसरा तरीका ये जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है इस चीज में, वो ये है कि हम डिजिटल इंप्रेशन ले सकते हैं। मतलब कि आजकल मुंह के अंदर स्कैन करने के डिवाइसेस आते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्राओरल स्कैनर। ये डिवाइस स्कैनर जो है वो आपके मुंह के अंदर एक कैमरे जैसी चीज जाएगी जो पूरे मुंह का अंदर से स्कैन ले लेगी, मतलब फोटो ले लेगी, डिजिटल इंप्रेशन हो जाएगा। इसको सीधे हम कंप्यूटर में फीड करेंगे और सॉफ्टवेयर से 3D प्रिंट होकर के आपकी कैप बन जाएगी। 3D प्रिंट मतलब कि सिरेमिक का या मेटल का ब्लॉक रखा जाता है, उसको आपके डिजायर्ड शेप के हिसाब से सॉफ्टवेयर में कमांड देकर के ही कट करके कैप का साइज दे दिया जाता है, तो कहते हैं 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग होकर के आपकी कैप बन जाएगी। ये दोनों ही तरीके से इंप्रेशन लिया जा सकता है। दोनों में से कौन सा बेहतर है? जाहिर सी बात है कि डिजिटल इंप्रेशन लेना ज्यादा एडवांस जो अच्छा तरीका है। इसमें पेशेंट का कंफर्ट भी ज्यादा होता है और कैप की फिटिंग भी ज्यादा एक्यूरेट बनती है, कहीं कोई गैप नहीं होता, साइज बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा होता है, ऊपर नीचे के जो दांत आपस में मिलते हैं उनका जो पैटर्न है, जो पोजिशन है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। तो डिजिटल इंप्रेशन लेने में एरर के या गलती के चांस कम होते हैं और ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है। तो आप अपने डेंटिस्ट से बेशक पूछें कि क्या वो डिजिटली इसको बना रहे हैं या मैनुअल इंप्रेशन लेकर के बना रहे हैं। इंप्रेशन हो चुका, मतलब दांतों का नाप हो चुका, अब बननी है कैप। तो लैब में ये कैप बनाई जाती है। कुछ डेंटिस्ट के क्लिनिक में खुद में ही ये कैप बनाने की पूरी सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, तो वहां और जल्दी आपका काम हो सकता है। डायरेक्ट डेंटिस्ट के सुपरविजन में हो सकता है तो और बेहतर काम होगा। कुछ डेंटिस्ट इसको लैब में भेजते हैं, लैब से बनकर के ये कैप आती है। अब जब ये कैप अपने जो हमने नाप लिया था, मेजरमेंट लिया था, उस हिसाब से बन गई, इसे दांत के ऊपर लगाना है, तो इसको लगाने के लिए सीमेंट आती है, डेंटल सीमेंट, जिससे कि हम इस कैप को दांत के ऊपर चिपका देते हैं। तो सालों साल ये कैप वहां पर चिपकी रहती है और बनी रहती है। तो दोस्तों, तीन आसान स्टेप में आपने ये समझा कि किस तरह से कैप बनती है। सबसे पहले जिस दांत पे कैप लगानी है उसको छोटा करना या शेप देना, ट्रिम करना, उसके बाद उसका डिजिटल या मैनुअल इंप्रेशन लेना, मतलब नाप लेना, और उसके बाद में कैप जब बन करके आती है तो उसको दांत के ऊपर सीमेंट से लगा देना, और फिर आपस में जो दोनों ऊपर नीचे के दांत मिलते हैं उनको हम एडजस्ट करते हैं कि कहीं आपको ऊंचा ना लगे या अटपटा ना लगे, और आपका जो चबाने का पैटर्न है वो सही हो और नॉर्मल हो और आप उससे संतुष्ट और कंफर्टेबल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया कि डेंटल कैप बनाने की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। अब आप इसके बारे में और कुछ अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बेशक आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें या हमसे डायरेक्ट कॉल करें, हमें ये बता करके आपको खुशी होगी। थैंक यू।